पतझड़ दी कला। सत श्री अकाल जी, चढ़दी कला टाइम टीवी उत्ते फास्ट न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल, आओ एक नज़र मारते हैं हुण तक दीआं खास खबरां ते। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड सम्मेलन में शामिल होने लई जापान की राजधानी टोकियो पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की यात्रा उत्ते जापान पहुंचे ने। क्वाड नेतावां दी इस बैठक का उद्देश ग्रुप के मैंबर देशों विचाले सहयोग नूं होर वधाउणा अते हिंद प्रशांत खेत्र विच विकास उत्ते चर्चा करना है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोकियो विच वड्डी कंपनी के सीईओ तादाशी जानाई नाल मुलाकात की। इस दौरान जानाई ने भारत के लोगों के उद्यमी जोश की शलाघा की है। विदेश मंत्रालय के बुलारे अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोकियो विच एनईसी कारपोरेशन के चेयरमैन अते होर प्रभावशाली लोगों नाल मुलाकात की है। राज्यसभा सकत्तरेत विच कर्मचारियों की बायोमैट्रिक हाजरी की प्रणाली दो साल बाद सोमवार को बहाल कर दी गई। यह प्रबंध कोरोना महामारी कारण मुअत्तल कर दिया गया सी। बायोमैट्रिक हाजरी की व्यवस्था पहली बार अगस्त 2018 विच शुरू की गई सी। कोरोना महामारी कारण व्यवस्था 6 मार्च 2020 नू मुअत्तल कर दी गई सी। 20 मई नू जारी सर्कुलर के अनुसार राज्यसभा सकत्तरेत विच 1300 तो वध कर्मचारी ने सारे नू कहा गया कि वह 1 जून तो हाजरी दर्ज करवाने लई आधार नाल जुड़ी बायोमैट्रिक हाजरी प्रणाली की पालना करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सूबे के शहरी हवाबाजी विभाग को मोहाली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तो सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ाना खास करके कैनेडा अमरीका यूके लिए शुरू करने वास्ते केंद्रीय शहरी हवाबाजी मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाल तुरंत तालमेल करने के निर्देश दिए ने। अपने सरकारी निवास स्थान उत्ते शहरी हवाबाजी विभाग के कामकाज का जायजा लैण लई हुई मीटिंग की प्रधानगी करदिआं भगवंत मान ने सूबे विच खेती अते फूड प्रोसैसिंग उद्योग नूं हुलारा देण लई विभाग नूं मोहाली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तो कारगो उड़ाना तुरंत शुरू करने लई भी कहा तां जो पंजाब नूं खुली मंडी बनाया जा सके। उन्हां सिविल एविएशन कौंसल नूं पेशेवर सिखलाई प्राप्त पायलटां वजों पूरी तरह नाल लैस होण लई फलाइंग ट्रेनिंग विच सूबे दे नौजवानां नूं तरजीह देण लई भी कहा। पंचायती जमीनों नूं लैके पेंडू विकास उत्ते पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल अते किसान आगुआं विचाले मीटिंग हुई है। इस मीटिंग बारे जानकारी दिंदिआं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार वल्लों नजायज़ कब्जे छुड़ाउण दी मुहिम नूं भरमा हुंगारा मिल रहा है। उन्हें कहा कि सरकार हुण तक तकरीबन 2600 एकड़ जमीन का कब्जा लै चुकी है। उन्हें यह भी कहा कि छोटे किसानों अते मजदूरों के हित की राखी लई 9 मैंबरी कमेटी बनाई जाएगी जो इस मामले का हल लभेगी। इस दे नाल ही उन्हें कहा कि शामलाट की जमीन विच जेकर किसी का घर है तो उसनू नहीं ढाया जाएगा। उन्हें कहा कि पंचायती जमीन एक्वायर करने तो पहला हुण सरकार वल्लों बकायदा 15 दिन का नोटिस दिता जाएगा। 30 जून तक लोग अपनी जमीन के सबूत पेश करके अपना पक्ष रख सकते हैं। इस तो बाद सरकार खर्चा ते परचा मुहिम चलाएगी। धालीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान वल्लों लोगों नू कीती गई अपील के असर सदका पिंडां दे लोक जमीनां दा कब्जा खुद छड़ रहे ने। श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार सिंह साहब गैनी हरप्रीत सिंह वल्लों सिखां नूं लाइसेंसी हथियार रखण दे दित्ते बयान उत्ते पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री मान ने ट्वीट करदिआं कहा कि माणयोग जथेदार श्री अकाल तख्त साहब जी तुहाडा हथियारां वाला बयान सुणिआ। उन्हें कहा कि जथेदार साहब जी तुसीं सरबत दा भला मंगण वाली गुरबाणी नूं घर घर तक पहुंचाउण दा संदेश दिओ ना कि हथियार रखण दा। मान ने कहा कि जथेदार साहब आपां पंजाब विच शांति भाईचारे ते मॉडर्न तरक्की दे सुनेहे देणे ने ना के मॉडर्न हथियारां दे। जिक्रयोग है कि अज श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के गुरगद्दी दिवस मौके श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब गैनी हरप्रीत सिंह ने सिख कौम नूं शस्त्रधारी होण दी अपील की सी। साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार समय पंजाब विच औरतां नूं सरकारी बसां विच बिना किराया दिते सफर करन दी सहूलत दिती गई सी जो साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अते मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार समय भी जारी है। पिछले कुछ दिनों तो सोशल मीडिया उत्ते पोस्टां वायरल हो रही सन कि 1 जून तो यह सहूलत बंद की जा रही है, पर अज कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने अजिहियां पोस्टां नूं अफवाह दसदिआं कहा कि औरतां नूं बसां विच मुफ्त सफर की सहूलत पहलां वांग ही जारी रहेगी। उन्हें कहा कि शरारती अंसरां वल्लों अफवाहां फैलाईआं जा रहीआं ने। उन्हें शरारती अंसरां नूं चेतावनी दिंदिआं कहा कि अफवाहां फैलाउण वालिआं खिलाफ सरकार जानकारी इकट्ठी करके सख्त कार्रवाई करेगी। जबर जनाह के मामले में भगौड़ा करार दिए गए साबका विधायक और लोक इंसाफ पार्टी के मुखी सिमरजीत सिंह बैंस वालों पाई गई जमानत पटीशन उत्ते पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इस सुनवाई दौरान अदालत वालों पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया गया। सिमरजीत बैंस ने खुद उत्ते दर्ज जबर जनाह के मामले उत्ते भगौड़ा करार देने को चैलेंज किया। उन्होंने अपने उत्ते दर्ज केस की भी सीबीआई जांच करने की मांग की है। दसणयोग है कि जबर जनाह मामले में अदालत में पेश न होने उत्ते
अदालत वालों उन्होंने भगौड़ा करार दिता गया। ड्रग्स मामले में फसे श्रोमणी अकाली दल के आगू बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत पटीशन उत्ते पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट में अज सुनवाई हुई, जिस दौरान अदालत ने हुक्म जारी करते हुए इस मामले की सुनवाई 23 मई तक मुलतवी कर दी है। दसनयोग है कि बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स केस में दसंबर महीने में FIR दर्ज की गई थी। हालांकि बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी उत्ते सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी तक रोक लगा दी थी, ताजो पंजाब विधानसभा दी चोणों दौरान प्रचार कर सकन। मजीठिया ने 24 फरवरी को मोहाली अदालत में आत्म समर्पण किया, जिस तो बाद उन्होंने पटियाला की केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट वालों इस केस की सुनवाई करने तो इनकार कर दिया गया सी अते बिक्रम सिंह मजीठिया को हाई कोर्ट जाने लिए कहा गया सी। जांदे जांदे नजर मारदे आने वाले कल के मौसम के हाल ते सो फास्ट न्यूज में इन्ना ही, तुसी वेखते रहो चढ़दी कला टाइम टीवी। धन्यवाद। चढ़दी कला फास्ट न्यूज।